सोचो उम्र के भी ताने बनेंगे, देह और आत्मा में युद्ध ठनेंगे, नश्वर शरीर युद्ध हार जाएगा, तुमको भी कोई यूं बिसार जाएगा, यानी आप भी कभी कर्मों के संताप बनोगे, आप भी कभी माँ बाप बनोगे। काल चक्र सभी को निचोड़ देते हैं, आश्रमों में लाकर हमें छोड़ देते हैं। बरसों पहले चली गई माँ, तभी हुआ ये हाल, थाली में अब कौन परोसे तड़के वाली दाल। वृद्ध भी माँ होती है, माँ के कई रूप होते हैं। जैसे पूज्य ज्ञान सागर जी महाराज 82 वर्ष के थे, लगभग 80 वर्ष से ऊपर की उम्र थी, और जो विद्याधर थे या विद्या सागर जी महाराज थे, वह कितने वर्ष के थे, 20 वर्ष के, कितना अंतर था, लेकिन उनकी एक एक झुर्री पर हजारों अनुभव लिखे हुए थे। माँ के कई रूप होते हैं, तो कई बूढ़ी भी माँ होती है, वृद्ध भी होते हैं, जो वो हमारे लिए वृक्ष की छाया की तरह होते हैं। तो हाथ खुरदरा मगर गाल पर रेशम सा एहसास, चली गई पर अब तक लगता यही कहीं है पास, इम्तहानों की रात हम पड़े नहीं कुछ खास, पास हमें करते रहे तेरे व्रत उपवास। कड़ी धूप बनकर कभी आए जो हालात, तेरा आंचल पाकर आ न सके वो पास, इस तरह मेरे गुनाहों को वो धो देती है। माँ बहुत गुस्से में होती है तो रो देती है, मेरी कोशिश जिसे मुश्किल समझकर छोड़ देती है, माँ की सोच उसे सुलझाने वहाँ तक दौड़ जाती है। गजब का हुनर है कि पढ़कर मेरा चेहरा लफ्ज़ दर लफ्ज़ माँ सबका सब बोल जाती है। माँ ऐसी शख्सियत होती है, जब देखती है कि 5 लोगों के लिए मिठाई के 4 ही टुकड़े हैं, तो तुरंत साफ साफ बता देती है कि उसे मिठाई बिल्कुल पसंद नहीं। आप लोग भी करते ना ऐसा, चौके में करते ना कि रखा है हम लोग सब समझ जाते हैं ना, हम लोग भी सब समझते हैं कि आप लोग कितना होशियारी से काम करते हैं। तो ऐसा कर्ज है जो मैं अदा कर नहीं सकता, ये अंधेरे देख ले मुँह तेरा काला होगा। माँ ने आँखें खोल दी और घर में उजाला हो गया। और किसी को घर मिला हिस्से में, किसी के हिस्से में दुकान आई, मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में माँ आई। और जिस घर में माँ बाप की इज्जत नहीं होती, उस घर में कभी बरकत नहीं होती, फटे कैलेंडर हो गए आज के माँ बाप, इन्हें कहाँ टांगें ये सोचते चुपचाप। तो इस तरह माँ की स्थितियाँ बदलती जा रही हैं। और आप लोग जब प्रतिदिन सुनते हैं इसको, तो किसी बहुत अच्छे व्यक्ति ने लिखा है कि क्या सूरत, क्या सीरत, क्या सूरत थी, माँ ममता की मूरत थी, पाँव छुए और काम हुए, अम्मा एक मुहूर्त थी। तो जो भी आता है सजा देता है, दोस्त बनकर दगा देता है, वो तो माँ की ही, माँ का ही दिल है, वरना मुफ्त में कौन दुआ देता है। बुझते हुए दिए पे हवा ने असर किया, माँ ने दुआएं दी तो दवा ने असर किया। कहते ना कि जब दवा काम नहीं करती है तो दुआ काम करती है। अपन भी शांति धारा करते हैं ना, उसमें क्या भावना यही तो करते हैं कि विश्व में सब रोगों की शांति हो, उसका नाम लेते हैं उस व्यक्ति को, यही भावना करते हैं और पाठ करते हैं। जब भी कोई साधु संतों का भी स्वास्थ्य खराब होता है तो पूरे देश में माला चल रही है, पाठ चलते हैं, शांति धारा चलती, विशेष अनुष्ठान चलते हैं। चाहे बसो पहाड़ पर या फूलों के गांव, माँ के आंचल से अधिक शीतल कहीं ना छाँव, उसमें खुद भगवान ने खेले खेले विचित्र, माँ की गोदी से अधिक नीरज कौन पवित्र। नज़र अंदाज अपने घर में तेरी जात ना होती, अगर माँ जिंदा होती तो कभी ये बात ना होती। जरा सी बात है लेकिन हवा को कौन समझा, दिए से मेरी माँ मेरे लिए काजल बनाती, सुना है जब से तय होते रिश्ते आसमानों में, वो पगली उंगलियों से रेत में बादल बनाती है। उन बच्चों की सुनता है खुदा जल्द दुआएं, जिन बच्चों की बचपन में गुजर जाती हैं माएँ। माँ का साथ छोड़कर कोई कुछ ना कर पाएगा, माँ की ममता का कोई क्या कर्ज चुकाएगा। मन्नतों की पहली मन्नत है माँ, पूजा की पहली मूरत है माँ, जल बिना जिया जा सकता है शायद, पर जीने की पहली ज़रूरत है माँ। मेरी गलती को वो माफ़ कर देती है, बहुत गुस्से में होती है तो भी प्यार देती है, हाथों पर जिसके हमेशा दुआ रहती है, ऐसी सिर्फ माँ और माँ होती है। माँ से
बड़ा दुनिया में कोई हो ना पाएगा, माँ की ममता का कोई क्या कर्ज चुकाएगा। अनमोल अनमोल रत्न हमको माँ ये हमारी दुनिया से प्यारी है, देवी के जैसी हमको माँ ये हमारी है, तो माँ के आंचल में हर कोई जन्नत पाएगा, माँ की ममता का क्या कोई कर्ज चुकाएगा। जाने कितने दुख सहकर माँ हमको पालती, माँ की ममता ही हर दुख को है टालती। तेरी उंगली पकड़ कर चला हूँ माँ, तेरी दिल में सिर्फ मैं बसा हूँ माँ। तेरे दिल को कुछ भी भाता नहीं जब तक मैं घर आ जाता नहीं, सारा दिन तू मेरा इंतजार करे, सबसे बढ़कर तू मुझे प्यार करे। मैं जब भी घर में घर से निकलता हूँ तेरी सांसें रुक रुक जाती हैं, मैं जब तक वापस आना जाऊँ तू रास्ता देखे जाती है। तू जितना मुझसे प्यार करे कोई और नहीं कर पाएगा, मैं जितना तुझसे प्यार करूँ वो कम ही रह जाएगा। घुटनों से रेंगते रेंगते कब पैरों पर खड़ा हुआ, तेरी ममता की छाँव में जाने कब मैं बड़ा हुआ। काला टीका दूध मलाई आज भी सब कुछ पैसा है, मैं हूँ हर जगह प्यार है तेरा कैसा है। सीधा सादा भोला भाला मैं ही सबसे अच्छा हूँ, कितना भी हो जाऊँ बड़ा माँ मैं तेरा बच्चा हूँ। अपनी भी जिनवाणी माँ होती है, अपन उसकी देख रेख करते हैं क्या। माँ के कई रूप होते हैं, जिनवाणी माँ पुकारती है कि मुझे बचा लो, आप लोग उसको कभी व्यवस्थित नहीं रखते हैं। कई बार कैसी उसकी स्थिति दयनीय स्थिति हो जाती है जिनवाणी की जब वह रोती है। माँ माँ के कई रूप होते हैं, माँ के बिना जिंदगी वीरान होती है, तन्हा सफर में हर राह सुनसान होती है। जिंदगी में माँ का होना ज़रूरी है, माँ की दुआओं से हर मुश्किल आसान होती है। माँ रोती थी जब रोटी नहीं खाता था बेटा, माँ आज भी रोती है जब रोटी नहीं खिलाता बेटा। एक माँ थी उसके दो बेटे थे और दोनों के यहाँ वह एक महीने इस बेटे के यहाँ भोजन करती थी, एक महीने उस बेटे के यहाँ दूसरे बेटे के यहाँ भोजन करती थी। जिस दिन महीने का 31वां दिन होता था उस दिन माँ को उपवास करना होता था, क्योंकि दोनों बेटे 31 तारीख को रोटी नहीं देते थे। ऐसी स्थिति है तो लबों पर उसके कभी बद्दुआ नहीं होती, बस एक माँ है जो कभी खफा नहीं होती। इस तरह मेरे गुनाहों को वो धो देती है, माँ बहुत गुस्से में होती है तो रो देती है। मेरी पहली धड़कन तेरी इनायत है, तू पास नहीं मेरे बस यही शिकायत है। जो सुकून तेरे गोद में है वह उस दुनिया में कहाँ है, मेरे लिए पहले तू है माँ बाद में बाकी जहाँ है। किस काम की है वो सफलता जो हमें जुदा करे, माँ तेरे लिए तो दुनिया की सारी दौलत कुर्बान है। इस तरह जब वह माँ अपने बेटे से मिलने आती है और मिलने के बाद जब वह पहचान नहीं पाता है तो माँ को बहुत दुख होता है और माँ सोचती है कि चलो कोई बात नहीं, वो पहचान नहीं पाया होगा, उसको दुख तो होता है लेकिन माँ तो माँ होती है। उसके बाद वह जब आती है और सोचती है कि चलो कोई बात नहीं, उसने पहचान नहीं पाया, वापस आ जाती है। कुछ दिन बाद उसका जो पुत्र था वो सोचता है चलो अपने माँ से मिलने चलते हैं, बहुत दिन हो गए हैं, तो वह मिलने आ जाता है। और मिलने के बाद मतलब जब मिलने आता है और वह गांव में जैसे ही आता है तो इधर उधर भटक रहा था और एक व्यक्ति उसको मिल जाता है, उससे पूछता है उसके पहले कुछ चिंतन चलता है उसके बारे में बता के फिर वो आगे की बात कहेंगे। माँ संवेदना है, भावना है, एहसास है, माँ जीवन के फूलों में खुशबू का बास है, माँ रोते हुए बच्चे का खुशनुमा पलना है, माँ मरुस्थल में नदी या मीठा सा झरना है, माँ लोरी है, गीत है, प्यारी सी जाप है, थाप है, माँ पूजा की थाली है, मंत्रों का जाप है, माँ आँखों का सिसकता हुआ किनारा है, और माँ झुलसते दिनों में कोयल की बोली है, माँ मेहंदी है, कुमकुम है, सिंदूर है, रोली है, माँ त्याग है, तपस्या है, शेबा है, माँ फूक से ठंडा किया कलेबा है, माँ कलम है, दबात है, स्याही है, माँ परमात्मा की स्वयं एक गवाही है, माँ अनुष्ठान है, साधना है, जीवन का हवन है, माँ जिंदगी के मोहल्ले में आत्मा का भवन है, माँ चूड़ी वाले हाथों के मजबूत कंधों का नाम है,
माँ चिंता है, याद है, हिचकी है, माँ बच्चे की चोट पर सिसकी है, माँ चूल्हा धुआं रोटी और हाथों का छाला है, माँ जीवन का कड़वाहट में अमृत का प्याला है, माँ जगत है, पृथ्वी है, धुरी है, माँ बिना सृष्टि की कल्पना अधूरी है, माँ का महत्व दुनिया में कम हो नहीं सकता, वो माँ जैसा दुनिया में कुछ हो नहीं सकता। तो वह अपने बच्चे से मिलने आए, जब माँ से मिलने आता है और इधर उधर भटक रहा था, ढूंढते ढूंढते उसको चाबी मिल जाती है, पुराना सा घर था गांव का, खोलता है दरवाज़ा और दरवाज़ा खोलते ही उसको सब सामान अस्त व्यस्त मिलता है। इधर उधर भटकता वो ढूंढता फिरता, उसको एक कागज़ का टुकड़ा मिलता है, उस कागज़ के टुकड़े में पत्र लिखा था माँ ने कि मैं बेटा तुमसे मिलने आई थी लेकिन तुम मुझे पहचान नहीं पाए, मुझे इस बात का तो दुख हुआ ही कि मैंने कितनी गरीबी में तुमको बड़ा किया, कैसे मैंने कपड़े सिल करके और तुम्हें पैसे कहीं से भी कमा करके तुम्हारे लिए पढ़ाई करवाई, तुम्हें पढ़ाया बढ़ाया और तुम विदेश तक पहुंच गए, सर्विस लग गई, तुम भूल गए मैं, और मैं जब बचपन में तुम्हारी एक आँख फूट गई थी, ख़राब हो गई थी आँख, तो मैंने अपनी आँख निकाल के लगवा दी थी, लोग मुझे कानी माँ कहकर बोलते थे तो मुझे बहुत कष्ट होता था, लेकिन मैं उस कष्ट को सहन कर लेती थी क्योंकि मुझे इस बात की खुशी भी होती थी कि मेरी एक आँख अपने बच्चे को लगी है तो मेरा बच्चा बड़े होकर मुझे सहारा देगा। लेकिन बेटा मैं तुमसे मिलने गई, तुम मुझे पहचान नहीं पाए, मुझे बहुत दुख हुआ। और जब से वह माँ वापस आई उसके पास से और उसको बहुत बीमारियाँ घेरने लगीं और इतनी बीमारियाँ होती चली गई उसको, आजकल बीमारियाँ जो होती हैं टेंशन से ज़्यादा होती हैं, जितनी भी बीमारियाँ हो रही हैं आज, हार्ट अटैक और भी जितनी बीमारी होती, क्योंकि अंदर ही अंदर व्यक्ति टेंशन में जलता रहता है और बीमारियाँ घेर लेती हैं, तो उसको टेंशन हो गई बहुत ज़्यादा और बीमार होती चली गई माँ। और चूँकि पत्र उसने बीमारी की अवस्था में लिख दिया था, छोड़कर चली गई थी, और अब चूँकि माँ इस दुनिया में नहीं रही, उसके आँखों में आंसू बरस रहे हैं, कहते हैं बहते हुए आंसुओं ने आँख से बस इतना ही कहा, मुझे क्या पता था घर से निकाले जाएंगे। और जब उसने घर का माहौल देखा तो कुछ पंक्तियाँ याद आईं वो भजन की, चलो चिड़िया हुआ पूरा यहाँ काव दाना है, जहाँ ताला लगाते थे वो दरवाजा पुराना है, पुरानी हो गई बस्ती पुराना सियाना है, चलो चिड़िया हुआ पूरा यहाँ काव दाना है। वो सब अस्त व्यस्त था, सब पुराना हो चुका था और उसके पैरों तले जमी खिसक गई और उसकी आँखों में आंसू आ गए, इतने आंसू निकले उसके कि पूरा जो कमरा था भीग गया। अब पछताए क्या होते जब चिड़िया चुग गई खेत। उसको अब लगा कि मैंने बहुत गलत किया अपनी माँ के साथ, मुझे ऐसा नहीं करना था क्योंकि मेरी माँ ने मुझे इतना बड़ा किया, कितने एहसान हैं कि उसने मेरे को इतना पढ़ा लिखा करके इतना बड़ा इंसान बना दिया, उसकी वजह से ही मैं आज इतने उच्च पद पर सुशोभित हो रहा हूँ, यानी इतनी अच्छी सर्विस मेरी लगी, उस गरीब माँ ने मुझे इतना पढ़ाया लेकिन मैंने उस माँ को पहचान नहीं पाया, मैं उस माँ को अपनी पहचान नहीं पाया, उसके कारण से उसको सदमा लगा और उसकी मृत्यु हो गई। ये कहानी सुनकर के लोगों को एक शिक्षा मिलती है कि हमें अपनी माँ या पिता के साथ, माता पिता के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। आज अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए लोग कर्ज लेकर पढ़ाते हैं, पहले पूरा परिवार पढ़ लेता था जितनी राशि में उतने में एक बच्चा पढ़ता है, आज की जो पढ़ाई है CBSE की इतनी महंगी पढ़ाई हो गई है कि लोग कर्ज लेकर के या इधर उधर से जैसे भी
कैसे करके अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। और हम देखते हैं कि जो बच्चे बाहर पढ़ते हैं, आप जाकर एक बार देखना जरूर चुपचाप, फिर मालूम चलेगा कि क्या स्थिति है बच्चों की, बच्चे कैसे पैसा बर्बाद करते हैं। तो अपने माता पिता का अपन कर्ज कभी चुका नहीं सकते, लेकिन अगर हम अच्छे पद को सुशोभित करते हैं और उनको अपने पास रखते हैं। तो एक बार ऐसे ही हुआ कि माता पिता जो थे ना, वो एक बंगला था उनका, और बंगले के साइड में रहते थे। बच्चे खेलते खेलते माता पिता के पास पहुंच जाते हैं, दादा दादी के पास। तो कहते हैं, आप कहाँ रह रहे हैं, टूटे फूटे बंगले में, टूटे फूटे सामान। तो वो दादा दादी बोलते हैं कि तुम्हारे मम्मी पापा ने जैसा हमें दे दिया वैसा हमने ले लिया। छोटे छोटे बच्चे कहते हैं, हम भी अपने मम्मी पापा को यहीं रखेंगे, तो जो जैसा करता है उसको वैसा ही प्राप्त होने वाला है। तो इस प्रकार से इस जो माँ की कहानी सुनाई है, ये कहानी सिर्फ एक माँ की नहीं है, ऐसी हमारी लाखों माँ हैं जो पूरे देश में विदेश में ऐसी माँ रह रही हैं और जिनकी स्थिति ऐसी है। ये माँ की तरफ से ही हमने कहानी सुनाई है, चूँकि हमारे पास ऐसी बहुत सी माँ आती हैं और उन माँ की कहानी हमने इसलिए सुनाई है कि अपन उस कहानी को सुन करके सिर्फ ये नहीं कि हमें बहुत अच्छी कहानी लगी, उस कहानी से हमें यही शिक्षा लेना है कि हम कैसे अपने जीवन को उन्नत बनाएं। और वह जो कहानी है बहुत सुंदर सी कहानी थी, और इस प्रकार से आज का यह पूर्ण हुआ। कैसे अदा करेंगे उपकार हम तुम्हारे, हम तो बने सितारे गुरु आपके सहारे, हम तो बने सितारे गुरु आपके सहारे। तन को रचा समारा माता पिता ने मेरे, जीवन संहार तुमने फिर ज्ञान उर हमारे। तुम देवता से बढ़कर मेरे लिए हो ईश्वर, पथ के प्रदीप मेरे गुरुदेव जी हमारे। कैसे अदा करेंगे उपकार हम तुम्हारे, हम तो बने सितारे गुरु आपके सहारे। तुमसे मिला है सब कुछ तुमको क्या भेंट दूँ मैं, सूरज के आगे जुगनू की बात क्या करूँ मैं। जीवन सजाने वाले बस इतनी आरजू है, नजरें न मोड़ लेना दर से कभी हमारे। कैसे अदा करेंगे उपकार हम तुम्हारे, हम तो बने सितारे गुरु आपके सहारे। इस प्रकार से ये आज का विषय पूर्ण हुआ। इसी भावना के साथ, साथ, साथ।